अगर बात करें और देखें कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में क्या आया, तो पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग ये समझें कि इस बजट ने जम्मू कश्मीर को काफी कुछ दिया। अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। एक बड़ी उम्मीद है जो कश्मीर के खासकर फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए इस बजट में जो पैसा रखा गया उससे बेहतरीन जो है वो साधन भी होंगे यहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स के पास, और बड़े बड़े जो है कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे, और मुझे लगता है कि कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर अच्छी बनेगी इसके इस बजट में इस प्रावधान से। आप हेल्थ सेक्टर को देखें तो हेल्थ सेक्टर सेक्टर में 157 नर्सिंग कॉलेजेस पूरे कंट्री को दिए गए। जहां पे मेडिकल कॉलेजेस नए खुले वहां पे नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। जम्मू कश्मीर में 10 नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, 5 कश्मीर में 5 जम्मू में। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं इन नर्सिंग कॉलेजेस से ट्रेंड होके वो नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों को, और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत किया जाएगा रूरल में। अगर आप महिलाओं के लिए फॉर फीमेल्स देखें तो एक बड़ा प्रावधान रखा गया, एक बड़ा प्रोविजन रखा गया। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लेडीज के बनाए जाएंगे पूरे कंट्रीज में। अगर आप एवरेज भी देखें तो इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर में, या इससे ज्यादा भी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स को, ये रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में फीमेल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के न सिर्फ अपने लिए पैसा कमा सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कमा सकते हो, बल्कि समाज के लिए अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हो। अगर मुफ्त में लोगों को घर देने की बात सोचें तो इस बजट में 66% इंक्रीज है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में। जितना पैसा पहले लोगों को फ्री मकान बनाने में मिलता था, इस साल में उससे 66% 2/3 पैसा जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो उम्मीद हर आदमी वो कर सकता है जिसके पास घर नहीं है कि उसको घर बना के जो है वो गवर्नमेंट की साइड से फ्री में घर मिलेगा। ये इतना बड़ा मैसिव है इसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की साइड से कि शायद ये उन लोगों के लिए उम्मीद बन के आया है कि जिनके पास अपने पास रहने के लिए छत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो इस बजट में जिसका प्रावधान रखा गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 बड़े प्रोजेक्ट सड़कों के चल रहे हैं जिसके लिए इस बजट में एलोकेशन रखी गई। ये 3 बड़े सड़कों के प्रोजेक्ट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं, इस पे तकरीबन 28,840 करोड़ रुपए, 28,840 करोड़ रुपीस का जो है वो खर्चा, और इससे 481 किलोमीटर जो है वो सड़क बनेगी। ये सिर्फ सड़क की बात है। अगर आप याद रखें तो 2 हफ्ते पहले नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर में सड़कों के लिए और पुलों के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के काम जो है वो चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो बजट में जो है वो इसमें किया जा रहा है। इसी तरह एनुअल एवरेज बजट आउटले अगर हम देखें, बजट में आउटले जो है वो एनुअल कितना रखा गया इस बजट में, तो वो तकरीबन 6,002 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया। अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए देखूं तो जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी उसमें 5 साल के लिए 2009 से लेकर 2014 तक जो एनुअल बजट आउटले था वो सिर्फ 1,044 करोड़ रुपए थे। 5 साल में 1,044 करोड़ रुपया और एक ही साल में 6,003 करोड़ रुपया, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 गुना पैसा बड़ा है। लेकिन हम 5 साल को 1 साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो असल में ये 25 गुना बड़ा है।
इसी तरह अगर हम देखें कि आम आदमी को पर कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो है अब 1.96 लाख पर पर्सन है, जिसका इंक्रीज जो है वो डबल है। पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई तो तब ये इससे आधी थी, और इस पीरियड में वो हिस्सा भी था कि जिसमें पूरे के पूरी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है पूरी दुनिया की जो है वो तबाह हुई थी। तो पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ने का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम ऐसे होता है कि टोटल कंट्री की कितनी अर्निंग्स है और उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ। इतना पैसा जो है 1.96 लाख पर कैपिटा इनकम होने का मतलब है कि इतना पैसा हर आदमी के खाते में है, हर आदमी के हिसाब से है। दिस मच मनी इज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट जो है वो आगे आपके लिए काम कर सकती है। अगर जम्मू कश्मीर के लिए फिर बात करूं तो इसमें बजट में एक बड़ा जो है वो ऐलान किया गया कि 38,000 नौकरियां टीचर्स की लगेंगी एकलव्य स्कूल से। अब एकलव्य स्कूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में, ट्राइबल एरियाज में, जम्मू कश्मीर में हमारी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्राइबल स्कूल्स जो खुलेंगे, इसमें काफ़ी स्कूल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में भी खुलेंगे, और इन स्कूल्स में भर्तियां जब खुलेंगी तो हमारे बच्चे जो हैं जिनके लिए एक और मौका मिलेगा उनको नौकरियां करने का भी। इस बजट ने हिंदुस्तान की आने वाली फ्यूचर में इकॉनमी की एक नई सूरत जो है वो सामने रखी है, एक नया चेहरा सामने आया है। जबकि पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पे परेशानी के हालात हैं, इन परेशानी के हालात में भी भारत जो है वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है और लोगों के बारे में सोच भी रहा है। अगर आपको बाकी सेक्टर्स के बारे में बताएं तो जिस तरह के इसमें किया गया उसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो है वो अच्छा खासा काम हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिस्सा आगे रखा गया। इसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस हैं वो स्टेट्स की जो है वो बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बार जो है तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो बजट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से काम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बजट ने आगे काम को बढ़ाया है, उसे आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर जो है वो भी आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बजट से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है।